दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल किस्सों का कारवा में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी के अंदर अपन ने जसवंत सिंह के बारे में पढ़ा कि उनको वापस औरंगजेब के मनसबदार बनना पड़ा और इस बार औरंगजेब ने उनकी ड्यूटी दक्षिण के नाके पर लगा दी, क्योंकि दक्षिण में मराठों का जोर हो रहा था। इधर शिवाजी अपनी पूरी शक्ति के साथ औरंगजेब के शासन को दबाने में लगे हुए थे। औरंगजेब के राज्यारंभ के पहले से ही दक्षिण में मराठों का जोर था। उसके सिंहासन रूढ़ होने के बाद उनका आतंक और बढ़ गया। इधर शाहजी के पुत्र शिवाजी ने सैनिकों का संगठन करके क्रमशः तोरणा, कोंडाणा, जावली, माहुली आदि किलों के ऊपर अधिकार कर लिया था। फिर उन्होंने पन्नाड़ा, रत्नागिरी आदि अनेक स्थान अपने कब्जे में किए। पन्नाड़ा पर उनका अधिकार अधिक दिनों तक न रहा, क्योंकि बीजापुर की सेना ने वहाँ पर चढ़ाई कर दी। बीजापुर दक्षिण का एक इलाका था, वहाँ के राजा ने उस पर कब्जा कर लिया। मुसलमान सेनापति जौहर, जिसका जो कि एक अबिसिनिया का एक गुलाम था, इसने करनौल पर स्वतंत्र अधिकार कर लिया था। सुल्तान आदिल शाह ने इसके अनुरोध करने पर इसे सलावत खां का खिताब देकर शिवाजी पर भेजा था। जौहर को शिवाजी ने अपनी तरफ मिलाया, पर बाद में अफजल खां के पुत्र फजल खां और सीधी हलाल के पवनगढ़ के किले पर आक्रमण करने के कारण उनको पन्नाड़ा भी त्यागना पड़ा। पीछे से जौहर के गुप्त मंतव्य का पता जब लगा तो आदिल शाह ने स्वयं चढ़ाई की और जौहर को घेरा हटाकर पन्नाड़े का गढ़ आदिल शाह के आदमियों को सौंपना पड़ा। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना अत्यंत आवश्यक हो गया था और ईस्वी सन 1659 जुलाई माह में बादशाह औरंगजेब ने शहजादे मुअज्जम के स्थान पर शाइस्ता खां की नियुक्ति दक्षिण में कर दी और शिवाजी का दमन करने के लिए उनको भेजा। उसने थोड़े ही समय में चाकन जो कि पुणे के आसपास का इलाका है, मरहटों को निकालकर वहाँ पर अधिकार कर लिया। फिर उसने उत्तरी कोंकण की ओर ध्यान दिया, जहाँ के लिए कारतलब खां सेनापति नियुक्त किया गया। पर शिवाजी फिर भी चुप नहीं बैठे थे, उन्होंने शीघ्रता से जाकर कारतलब को हरा दिया और उसके बाद 1661 मई के महीने में मुगल सेना ने मराठों से कल्याण भी छीन लिया। शिवाजी ऐसी दशा में वर्धनगढ़ में चले गए और ईस्वी सन 1662 और 63 के प्रारंभिक दिनों में मराठों पर मुगलों के आक्रमण के निरंतर जारी रहे। चाकन पर अधिकार करके शाइस्ता खां पूना चला गया और वहीं रहने लगा। महाराजा जसवंत सिंह 10,000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ के मार्ग में ठहरे हुए थे। शिवाजी प्रतिदिन की लड़ाई से उब गए थे। उन्होंने शाइस्ता खां को पराजित करने का उपाय सोचा। 2,000 वीर सैनिकों को मुगल छावनी से 1 मील की दूरी पर रखकर तथा 400 चुने हुए आदमियों को अपने साथ लेकर मुगल छावनी में रात के समय घुस गए, जहाँ शाइस्ता खां सो रहा था। शाही पहरेदारों के पूछने पर कहा गया कि हम दक्षिण के सिपाही हैं और अपने अपने स्थान पर नियुक्ति होने के लिए आए हैं। किसी छिपे हुए स्थान में कुछ समय तक विश्राम कर शिवाजी अपने सैनिकों सहित शाइस्ता खां के निवास स्थान के निकट चला गए। वहाँ के सभी सैनिक सो रहे थे, थोड़े बहुत जो जाग रहे थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने दीवार में द्वार फोड़कर मार्ग बनाया और डेरे तंबुओं को तोड़ते हुए 200 आदमियों से शिवाजी खान के ऊपर जा पहुँचते। शाइस्ता खान के हरम की भयभीत रमणियों ने खान को जगाया, पर इसके पूर्व कि वह शस्त्र संभाल सके शिवाजी ने तलवार के वार से उसके हाथ की उंगलियां काट दी। बाहर के 200 व्यक्तियों ने भी मुगल सैनिकों को बुरी तरह काट डाला। शाइस्ता खां का एक पुत्र इस झगड़े के अंदर काम आ गया और स्वयं उसे सुरक्षित स्थान पर इस लड़ाई के अंदर भागना पड़ा। इस लड़ाई में शिवाजी की तरफ से केवल 6 आदमी मारे गए और 40 जख्मी हो गए। ये लड़ाई 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को हुई। प्रातःकाल होने पर जसवंत सिंह शाइस्ता खां का हालचाल पूछने के लिए उनके डेरे पर गए। उस समय शाइस्ता खान ने कहा कि जब शत्रु ने मुझ पर आक्रमण किया, उस समय मैंने सोचा कि तुम उससे लड़कर वीरगति को प्राप्त हो गए, तभी मेरे यहाँ तक पहुँचा होगा। जब बादशाह के पास इस दुर्घटना की सूचना पहुँची तो उन्होंने शाइस्ता खां को हटाकर बंगाल भेज दिया और उनके स्थान पर वापस मुअज्जम की नियुक्ति कर दी। ईस्वी सन 1664 के प्रारंभ में शाइस्ता खां के प्रस्थान करने पर मुअज्जम औरंगाबाद में जा रहा और जसवंत सिंह की नियुक्ति पूना के अंदर की गई। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि इसके बाद बादशाह ने पूना के अंदर भेजने का जसवंत सिंह के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन जसवंत सिंह ने आज्ञा की अवहेलना करके वापस जोधपुर पहुंच गए थे और ये बात लिखी हुई स्टोरी डी मोगोर की किताब के अंदर, जो कि मनुकी के द्वारा लिखी गई। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल
किस्सों का कारवा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।